रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। उपहार सिनेमा में जिंदा जल गई 59 जिंदगियां, कुछ ऐसे दिखाई ये खौफनाक मंजर। नई दिल्ली टीम डिजिटल। आज से 21 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 13 जून 1997 को नई दिल्ली के उपहास सिनेमा के ट्रांसफॉर्मर में उठी एक छोटी सी चिंगारी ने 59 लोग जिंदा जला दिया था। ये आग इतनी भीषण थी कि धीरे धीरे पूरे ऑडिटोरियम में फैल गई और पूरा सिनेमा हॉल काले धुएं के गुबार से ढक गया। देखें दिल दहला देने वाली तस्वीरें। नई दिल्ली में हुए इस हादसे में 59 लोग मारे गए जबकि 103 जख्मी हुए, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि सिनेमा हॉल बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे। इस हादसे के बाद सिनेमा घर के मालिक सुशील गोपाल अंसल और 16 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 19 अगस्त 2015 में अदालत ने 30 से 30 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद इन दोनों भाइयों ने उसी साल 9 नवंबर को 30-30 करोड़ रुपए जमा भी करा दिए हैं। इससे दिल्ली NCR में ड्रामा सेंटर बनाया जाएगा। इस हादसे में मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। घटना की जांच के दौरान पता चला कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस हादसे में सबसे ज्यादा मौतें सिनेमा हॉल में स्थित बेलकॉनी में हुई, जहां AC के जरिए जहरीला धुआं सिनेमा हॉल में आ गया था। इस हादसे का शिकार हुए 59 लोगों में से ज्यादातर लोगों की मौत आग में जलने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई, इसके साथ ही सुशील को भी 5 महीने और 20 दिन के लिए जेल भेजा गया।